उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी मिर्जापुर कोहलिया ब्लॉक से ग्राम पंचायत बसकोप से एडवोकेट कमलेश कुमार द्वारा शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान पद हेतु SC सीट का मांग किया गया और ग्राम पंचायत दिघुली में श्याम बिहारी छोटे लाल पूर्व प्रधान राजन कुमार और अन्य कई लोग ग्राम पंचायत दिघुली के लिए ग्राम प्रधान सीट के लिए 80 सीट का मांग की है। इन दोनों ग्राम पंचायतों के लोगों का कहना है कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आज तक इन दोनों ग्राम पंचायतों में प्रधानी 80 सीट कभी आया ही नहीं, इसलिए शिकायती पत्र देकर सक्षम अधिकारी से मांग की है कि इन ग्राम पंचायतों में प्रधानी का 80 सीट किया जाए। उसी समय ग्राम पंचायत अहमदपुर पिपरिया से मोहित लाल गुप्ता, संजय कुमार, संगीता, सीता देवी, सीखड़ ब्लॉक से विजयानंद द्विवेदी, इंदु ग्राम पंचायत के लोग जिला पंचायत राज अधिकारी को शिकायती पत्र देकर मांग किए हैं कि हमारे यहाँ ग्राम प्रधान का सीट OBC किया जाए। इसी प्रकार जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के बाहर अन्य बहुत ग्राम पंचायत के लोग उपस्थित रहे। सभी का एक ही कहना है कि पंचायत चुनाव का आरक्षण सुचिन्याय पूर्वक किया जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट। चाचा जी आप कहाँ से आए हैं? ग्राम सभा दिघुली को सुपरना जिला में। यहाँ क्या समस्या है? समस्या है हम अपनी ये जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है गलत ढंग से हुआ है, इसलिए हम आए हैं। क्या गलत ढंग से हुआ है? गलत है जो कि हमारी यहाँ सुरक्षित सीट आने के बाद नसीब हुआ और पुनः उसको पलट करके और बैकवर्ड सीट कर दिया। आपत्ति आपने लगाया? हमने दे दिया। आज आपत्ति आप लोगों ने लगाया जिले में आकर के? हाँ। आपका नाम? भूटेलालपुर प्रधान। आपका किस गांव से मिलान करते हैं? दिघुली। दिघुली से क्या समस्या थी? चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर जो कि हमारे यहाँ पहली बार राउंड में अनुसूचित जाति की दर्जा दिया गया। अच्छा। और उसको काट करके बैकवर्ड कर दिया गया। हम लोग वंचित हैं, इसलिए आए हैं हम लोग अप्लीकेशन देने के लिए कि हम लोगों का अधिकार मिलना चाहिए। चलिए ठीक। आपका नाम? राजन। राम जी का समस्या है भैया? समस्या है कि हमारे यहाँ कभी आरक्षण जब से लागू हुआ तब से सुरक्षित हुआ ही नहीं। जी जी। जब सुरक्षित हुआ तो सरकार ने पलट करके बैकवर्ड कर दिया। तो आप लोग क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? मांग करते हम लोग की जो मांग है वो न्याय किया गया। आपका नाम? मोहित लाल गुप्ता, ग्राम महामलपुर घर लुकरिया महामलपुर ग्राम। तो यहाँ क्यों आए हैं चाचा जी, क्या समस्या? टालने के लिए आए हैं। क्या समस्या है? समस्या है कि क्या बता 1995 OBC था, आज तक अभी 20 साल हुआ OBC नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय कुमार। तो आप लोग ये आए हैं समस्या को लेकर के एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार को अवगत कराने आए हैं? हाँ। ये सब जनसंख्या आपके गांव से ही आई हुई है? हमारे कौन बता देंगे। आपका नाम क्या है? संगीता। संगीता जी क्या इसलिए आप यहाँ क्या क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे? ये साहब की बैकवर्ड आ गया था तो बड़ा जात लोग हो जाते हैं तो कौनो हमने के सुरक्षित करता ही नहीं बहन। मतलब सुरक्षित सीट की मांग है सरकार से कि हम लोगों को सुरक्षित सीट दिया जाए। और 80 सीट दे देते हैं तो पैसा दे के खड़ा कराए कि अपना फिर प्रधानी कराता है। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारे सबको मांग बा OBC से। OBC की मांग है। आपका क्या नाम है? संगीता। संगीता किस गांव से आई है? अमलपुर पिपरिया से। अमलपुर पिपरिया से। चलिए ठीक। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सीता देवी। सीता देवी ये बताइए यहाँ क्यों आप लोग आई हैं? हम साहब आए कि 20 साल से हमारे गांव में केवल सम्मान और SC लड़ाई होता है, अब कभी OBC होता ही नहीं था। तो आप लोगों की मांग है कि OBC सीट आना चाहिए? हाँ, OBC आना चाहिए। और हमारे गांव में जो प्रधान होता है वो बड़े जात होता है, हमारे लोग को कोई सुनाई नहीं होता। चलिए ठीक है, जानकारी देने के लिए। सर आपका परिचय? हम विकासखंड सीकर से आए हैं। जी सर क्या समस्या है? जनपद का सबसे छोटा ब्लॉक है सीखड़। सीखड़। सीखड़ में मात्र 35 गांव पंचायतें हैं। जी। वहां पे पंचायत के चुनाव 23 में और जो आरक्षण किए हैं 35 गांव पंचायत में मेरे हिसाब से जो है 54.28, जबकि शासन का ये या हाईकोर्ट का काफ़ी निर्देश है कि 50% से रिजर्वेशन किसी में ज़्यादा नहीं हो सकता।
तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना है कि अगर वहाँ पे आरक्षण 50% सीमा तक ही रहेगा और 0.45 को अगर पूर्णांक नहीं मानेंगे तो मेरी गांव पंचायत सामान्य में हो जाएगी, जो लगातार 25 साल से आरक्षित चल रही है। जी, ये 30वें साल वो आरक्षित हो रही है। तो आप लोग यहाँ शिकायत के माध्यम से एप्लीकेशन दिए? हाँ, आपत्ति पत्र दिए हैं। उम्मीद किए हैं कि ये 30वें साल न होने पाए, इसी उम्मीद से आए हैं कि ये 30वें साल आरक्षण उस गाँव पंचायत छीतकपुर न जाए, विकासखंड सीमा। आपका शुभ नाम? विजयानंद द्विवेदी।